और दूसरा, अब थोड़ा समर्पण का इतिहास देखो कि जिन समस्याओं के लिए, जिन प्रॉब्लम्स के लिए, जिन परिस्थितियों के लिए आप ये ध्यान कर रहे हैं, ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ, ऐसी कोई भी समस्याएं हिमालय में नहीं थी। हिमालय में जो संत महात्मा ध्यान करते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, और कोई ऐसी समस्या नहीं रहती जिसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए वो ध्यानस्थ रहते हैं। तो फिर ये समर्पण ध्यान क्यों शुरू हुआ? सिर्फ समर्पण ध्यान का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है वो उनके जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करें। केवल एक उद्देश्य, सिर्फ एक ही उद्देश्य से उसको शुरुआत उन्होंने किया था। केवल मोक्ष के एक ही उद्देश्य से हिमालय में ध्यान की पद्धति उन्होंने शुरू की थी, वही पद्धति आज जैसी की वैसी ज्यों की त्यों यहाँ आप तक पहुँची है। इसका अर्थ, जिसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान वास्तव में उसके लिए है ही नहीं, ध्यान है मोक्ष के लिए, और मोक्ष की इच्छा से ध्यान वो कर रहे हैं। दूसरा, आप अपना ही याद करो ना, आप ध्यान में कैसे आए, ध्यान के पहले दिन आपको क्या हुआ, कभी मैंने ऐसा कहा क्या कि सारा विचार बंद करके बैठो, मन को एकाग्र करके बैठो? कुछ नहीं। जैसे ही प्रवचन प्रारंभ हुआ, प्रवचन प्रारंभ होने के बाद में जो शब्दों के रूप में चैतन्य बाहर निकलना प्रारंभ हो गया, परमात्मा प्रकट हो गया, और परमात्मा प्रकट होने के बाद में शरीर का नियंत्रण पूर्णतः आत्मा के अधीन हो गया, और आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया, यानी शरीर का यहाँ कोई संबंध ही नहीं है। अब बेकार में शरीर के ऊपर नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं, विचारों पर नियंत्रण करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसी तो शुरुआत हुई नहीं थी। अब तो शुरुआत का पहला ही पाठ भूल गए, पहला ही पाठ ये था, कुछ नहीं था। प्रवचन में जो शब्दों के माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहा था, वो प्रकट होने के बाद में आपको आत्म साक्षात्कार मिला, और आत्म साक्षात्कार लेने के बाद में आपके आत्मा को अनुभूति हुई, चैतन्य की अनुभूति हुई। ये शुरुआत है, ये स्टार्ट है। तो जब आपकी शुरुआत ही ऐसी हुई है, तो आप कहाँ उस मन की एकाग्रता और विचारों के नियंत्रण, उसमें कहाँ चले गए? एकदम गलत रास्ते पे चले गए। तो वापस आओ, ये शुद्ध आत्मा और परमात्मा से संबंधित ध्यान है। और अब आप कहोगे, मोक्ष का सामान्य मनुष्य से क्या संबंध? सामान्य मनुष्य से ये संबंध है, एक सुखी समाधानी संपूर्ण जीवन व्यतीत करना। बचपन से धीरे 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 करते करते वहाँ तक पहुँचते हैं। बचपन में मैंने केवल अपने आप को आत्मा समझा, एक ही हर दफ़े बोलता था मन से, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसमें देखो, जैसा आप मानोगे, अपने आप को जो मानोगे वैसा होगा। कई दिन पूर्व धाम के अंदर एक मुर्गी लाके रखी थी, और उस मुर्गी के साथ एक मोर का बच्चा था। तो मोर का अंडा ला करके मुर्गी के पास रखा था, और मुर्गी ने उसको सेक करके उसको बच्चा निकाला, तो उसमें से मोर का बच्चा निकला, और वो मुर्गी उसे अपना ही बच्चा समझ करके पालती थी। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ मोर आए, उन मोरों को देख करके उस बच्चे को एहसास हुआ
कि मैं मुर्गी नहीं हूँ, मैं मोर हूँ। उसके बाद में मोरों ने जैसे ही उसको एहसास कराया कि वो मोर हैं, बाद में वो मोर उस मोरों के संगत में चला गया, वो मुर्गी के साथ नहीं रहा, क्योंकि वो पहचान गया कि मैं मुर्गी नहीं, मैं मोर हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपको आत्म साक्षात्कार मिल करके, आपको अनुभूति होने के बाद में आपने पहचान लेना चाहिए कि आप मुर्गी नहीं, आप मोर हैं, लेकिन आप उसको भूल गए। आत्म साक्षात्कार मिलना, देखो जितने भी क्रिया कर्म कांड जितने चल रहे हैं ना, जितने आध्यात्मिक प्रयत्न चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं, उन सबका उद्देश्य, आखिरी लक्ष्य आत्म साक्षात्कार पाना है। और वही आत्म साक्षात्कार आपको सर्वप्रथम मिल गया है, और सर्वप्रथम मिलने के बाद में फिर भी आप भूल गए। तो पहली बात तो ये शरीर के प्रयास छोड़ दो, शरीर के प्रयत्न छोड़ दो, और प्रयत्न छोड़ करके फिर उसी बात के ऊपर आओ कि आप एक पवित्र आत्मा हैं। आप जैसा अपने आप को मानोगे वैसा होगा। दूसरा, मेरा अनुभव और आपका अनुभव आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन जैसे समझ लो एक पुल के ऊपर से कोई चीज़ अगर अपने पास आती है तो इसका अर्थ है कि वहाँ से रास्ता है, वहाँ से मार्ग है, उसी पुल से अपनी चीज़ भी बाहर भेजी जा सकती है। तो अगर परमात्मा चैतन्य के माध्यम से, माध्यम के द्वारा आप तक पहुँचा है, उस माध्यम को उसने पुल बनाया, माध्यम को आप पुल समझ लो, उस माध्यम को पुल बना करके चैतन्य के रूप में परमात्मा आप तक पहुँचा है, तो आपका भाव के रूप में आप उस माध्यम के से परमात्मा तक क्यों नहीं पहुँचते। तो सबसे पहले भाव ही एकमात्र माध्यम है। आप जो मन की एकाग्रता कर रहे हो ना, ये शरीर का छोड़ दो, अब आपके मन में जितना भाव लाने में सफल होंगे, जितना मन में आपके भाव जागृत होगा, भाव के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। बुद्धि से, प्रयत्न से तो है ही नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। और रही बात माध्यम की, तो समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक नास्तिक लोग रहते हैं जो बोलते हैं परमात्मा एक शक्ति है, लेकिन वो उसके किसी रूप को स्वीकार नहीं करते, किसी माध्यम को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं हाँ उसको हम निसर्ग की शक्ति बोलते हैं, नेचर की शक्ति बोलते हैं, लेकिन वो किसी रूप को स्वीकार नहीं करते। दूसरे वो आस्तिक लोग रहते हैं जो किसी रूप को स्वीकार करते हैं, ये रूप यानी परमात्मा, ये रूप यानी परमात्मा, ये रूप यानी परमात्मा, और उसके बाद में उस रूप से ही चिमट जाते हैं, उस रूप को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं, और रूप को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। वो रूप को देखेंगे, उसी रूप में परमात्मा को देखेंगे, तो फिर वैसी बात हो गई ना। चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। किसी भी माध्यम से मत पकड़ो, किसी भी माध्यम को मत पकड़ो। परमात्मा एक निराकार शक्ति है जो विश्व का संचालन करती है, और वो समय समय पे अलग अलग रूपों में प्रकट होते रहती है। अब एक छोटा सा अपना बच्चा गुम हो जाता है, एक 20 साल का युवक गुम हो जाता है, उसके अगर हम बचपन की तस्वीर लें कि वो 6 महीने का था तब कैसा था, और वो तस्वीर लेके अगर वो 20 साल के युवक को खोजने जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 साल के युवक का चेहरा मोहरा बदला हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा के पुराने रूप को लेकर के आज वर्तमान में ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं, उसका भी रूप बदला हुआ होगा। तो हर समय पर चेंज होता रहता है, हर समय पर बदलता रहता है। दूसरा, एक देखो ना, सभी धर्मों का अध्ययन करो, सभी देवताओं का अध्ययन करो, सभी संतों का अध्ययन करो, कुछ बातें एकदम समान है, एकदम एक जैसी है। पहली बात, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है,
ये बात सबने सभी ने एक ही बात कही, जिसने भी जाना उसने ये बोला परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये, मनुष्य धर्म है, सब मनुष्य एक जैसे, मनुष्य समान है। तीसरी बात, अच्छी बातें करो, और चौथी बात, बुरी बातें मत करो। तो अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये करते 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 आपके आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया है। सभी माध्यमों ने, सभी संतों ने एक ही तो बात कही है कि आप अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ दो, अच्छी बातें करो बुरी बातें छोड़ दो। ऐसा करते 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 आखिरी में आपके आत्मा तक पहुँचना है कि आपके शरीर के सारे बुरे व्यवहार समाप्त हो जाए। ये सब गुरु शक्तियों ने करके देख लिया, सब बताया, अच्छी बातें करो बुरी बातें छोड़ दो, सब बताया। सब बताते 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 क्या हो रहा है, जैसे जैसे बुद्धि विकसित हो रही ना, वैसे वैसे उसके उपाय भी विकसित हो रहे हैं। और दूसरा, सहनशीलता कम हो रही है। आज बाप जितना सहनशील है उतना बेटा नहीं है। आज से 20 साल बाद देखेंगे उसका बेटा और वो इनबैलेंस रहेगा। बुद्धि का विकास जैसे जैसे होता रहा है, संतुलन खो रहा है, समाधान खो रहा है। आज हमारे पिता जितने समाधानी थे, उसके पिता उनसे ज़्यादा समाधानी थे। समाधान कम 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 हो रहा है क्योंकि बुद्धि विकसित हो रही है, मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे पिताजी इतने संतुलित थे, उतने हम नहीं है, हमारे लड़का और कम हो रहा है। तो इसी को देखते हुए गुरु शक्ति ने भी सोचा, ये सब तो बता चुके हैं कि अच्छी बातें करो बुरी बातें छोड़ दो, सब सब बता दिया। सब बताने के बाद भी अगर चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है, तो उससे अच्छा है कि उनको एक बार उनका ही दिया जला दिया जाए। इसीलिए गुरु शक्ति ने माध्यम के रूप में मुझे भेजा, मेरे को माध्यम बनाया। और माध्यम से क्या बात बताई आपको, कि आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर दो, आपका ही दिया जला लो। आपका दिया जलाने के बाद में आपके लालटन पे कौन कौन से दाग है आपको ही नजर आ जाएंगे। तो आपको बताने की क्या जरूरत है, अच्छी बातें करो उन बुरी बातें छोड़ो उन, अच्छी बातें करो बुरी बातें, ये क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान ही आपको मिल गया। ये उनका नया प्रयास है, नया प्रयत्न है। तो समर्पण ध्यान में कुछ नहीं बताया जाता, क्या अच्छा करना चाहिए क्या बुरा करना चाहिए, कुछ नहीं। आपके आत्मा को जागृत कर दिया जाता है, जागृत करने के बाद में आपको ही आपकी गलतियाँ, आपको ही आपके दोष नजर आ जाते हैं। तो माध्यम हर दफे बदलते रहते, जैसे रहते कि नहीं, किसी कार्यक्रम में सुरक्षा के दृष्टि से कोई पुलिस बिना ड्रेस के वहां जाके बैठते, ड्रेस पहना हुआ नहीं है पुलिस का, तो क्या होता है, हमको पहचान क्या है, पुलिस के ड्रेस में होंगे तो पहचानेंगे, पुलिस के ड्रेस में नहीं होंगे तो नहीं पहचानेंगे। वो सामान्य मनुष्य शरीर के आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, सब चले जाएंगे, और उसके बाद में फिर तुमको पता चलेगा वो आए थे, देखा था, चले गए। वो चले जाने के बाद में पता लगता है। हम क्यों नहीं पहचान पाते, इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि वो पुलिस वाले पुलिस के ड्रेस में नहीं होते। वो ड्रेस में होंगे तो सब पहचान जाएंगे, लेकिन ड्रेस नहीं हुआ तो नहीं पहचानेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमको परमात्मा का एक ड्रेस है, वो परमात्मा अगर उसी ड्रेस में आया तो हम पहचानेंगे, नहीं आया तो नहीं पहचानेंगे। एक सामान्य मनुष्य शरीर का आएगा, मिलेगा, बताएगा, चला जाएगा, चले जाने पर हमको पता चलता है, अच्छा वो परमात्मा थे क्या, वो उन परमात्मा के माध्यम थे क्या। परमात्मा तो कोई है ही नहीं, लेकिन परमात्मा के माध्यम थे क्या, वो माध्यम का भी पता हमको तब चलता है जब वो चले जाते हैं। लेकिन अगर उस पुलिस वाले को तुम व्यक्तिगत जानते हो, तो वो ड्रेस में हो या नहीं ड्रेस में हो, आप तुरंत बोलोगे क्यों मन्नू भाई आज यहाँ ड्यूटी लगी क्या, कोई मन्नू भाई बैठा तो नहीं यहाँ। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी आपके परमात्मा के शक्तियों से पहचान हो,
फिर उनका ड्रेस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पहचानोगे? अनुभूति से। कैसे पहचानोगे? वाइब्रेशन से। देवत्व समान है ना, देवत्व एक जैसा है। पुलिस वाला ड्रेस में तो भी पुलिस वाला है, पुलिस वाला बिना ड्रेस में तो भी पुलिस वाला है, वो 24 घंटे पुलिस वाला ही रहता है। तो वैसा प्रकार है जो संत है, वो भले ही ड्रेस में हो नहीं हो वो संत ही है। माध्यम, वो माध्यम आपको लगे तो भी माध्यम है, माध्यम नहीं लगे तो भी माध्यम है, वो माध्यम है ही। तो माध्यम को पहचानने के लिए, माध्यम को जानने के लिए एक ही प्रकार है, वो है अनुभूति। अनुभूति के द्वारा उस माध्यम को पहचाना जाता है। ये मूर्ति बनाना, पुस्तकें लिखना, ग्रंथ लिखना, अपने जीवन काल की घटनाएं लिखना, ये सब अगली पीढ़ी के लिए तैयारी चल रही है। कई बार आपने देखा होगा कोई पेंटर रहता है, उसकी पेंटिंग की अपनी एक शैली रहती है। कौन से शेड इस्तेमाल करना, कौन से रंग इस्तेमाल करना, और उसी शैली से वो कार्य करते रहता है। और वो करते 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 अपने जीवन से भी अधिक प्रेम, जीवन से भी अधिक प्यार वो अपने कला के साथ करने लग जाता है। ठीक ऐसा ही कोई संगीतकार रहता है, संगीत बजाते 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 सालों बजाने के बाद में वो संगीत से भी प्रेम करने लग जाता है, संगीत से भी प्यार करने लग जाता है। और उसको चिंता रहती है कल मैं रहूं या न रहूं, मेरा संगीत अवश्य रहना चाहिए। तो वो चाहता है कोई ना कोई उसको सीखे, कोई ना कोई उसको ग्रहण करे। और कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए आए, जो ग्रहण करने के लिए आएगा वो उसको अपना सर्वस्व सौंप देगा। ठीक इसी प्रकार से हिमालय के भी संतों को, हिमालय के भी महात्माओं को ये लगा था कि जो उनका आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान की धरोहर कोई संभाले। पर जो कार्य उनके जीवन काल में नहीं हो सका वो कार्य कोई उसको आगे बढ़ाए, आगे लेके जाए। इसीलिए उन्होंने बड़े विश्वास से वो कार्य इस माध्यम को सौंपा। और मैं भी समाज में माध्यम बनाने को आया था कि मेरी ये ज्ञान की विरासत कोई ग्रहण करे और उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाए। तो ऐसे माध्यम जब जीवन काल में नहीं निर्माण हुए तो मूर्तियों को माध्यम बनाने का पर्याय शुरू किया। हो सकता है आज नहीं, कई वर्षों के बाद में ये मूर्तियों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए कोई आत्माएं आए और वो उसको ग्रहण करके विकसित करे।
तो ज्ञान का एक खजाना उसमें छुपा हुआ है। दूसरा, आप समझते हैं कि माध्यम यानी जिसका खुद का कोई वजूद है, खुद का कोई अस्तित्व है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। माध्यम आप भी बन सकते हैं। जिस मनुष्य का खुद का कोई अस्तित्व ना हो, एकदम शून्य हो, ट्रांसपेरेंट हो, होकर भी नहीं हो, वो मनुष्य माध्यम के स्तर पे खुद ब खुद हो जाता है धीरे धीरे। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन जिस प्रकार से एखादा पाइप रहता है कि नहीं, पाइप के सबसे बड़ी विशेषता क्या कि पाइप के अंदर कोई अड़ंगे नहीं, एकदम क्लियर, एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है। इधर से पानी डालो तो एकदम पूरा उधर चला जाता है, यानी एकदम खाली है, एम्प्टी है। तो ये शून्यता अगर आप आपके जीवन काल में निर्माण कर सको, निर्माण हो सके, तो आप भी परमात्मा के माध्यम बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। इसीलिए ध्यान के पहले समर्पण शब्द लगाया गया है। समर्पण ध्यान, समर्पण ध्यान का अर्थ है पहले समर्पण बाद में ध्यान। तो अगर आप समर्पित होते हो तो ध्यान खुद ब खुद लग जाता है। ध्यान करने वाला नहीं है, करने जाएंगे तो वो शरीर से होगा। तो ध्यान शरीर से नहीं करने का है, ध्यान खुद ब खुद लगना चाहिए, खुद स्वयं ध्यान लगना चाहिए, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर से स्पष्ट करता हूँ कि मन की एकाग्रता करने के पीछे मत दौड़ो। आप अपने आप को पहले एक पवित्र आत्मा समझो, और आत्मा समझने के बाद में उस परमात्मा से सीधे संपर्क साधो ना। उसके लिए जैसे आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा, स्थापित होने के बाद में विचार खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके आत्मा का आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण हो जाएगा। और ये हुआ है, कई बार हुआ है, और आपको भी शुरुआत भी आपके ऐसी हुई है। प्रवचन के अंदर आए ऑटोमेटिकली, जैसे ही चैतन्य अनुभव होने लग गया, आंखें बंद हो गई, ध्यान लग गया। तो ध्यान खुद ब खुद लगना चाहिए, प्रयत्न से सिर्फ मन की एकाग्रता होती है। दूसरा, कुछ साधक ये चीज तो जान गए, जो चीज़ें आपको सिखा रहा था, जो आपको बता रहा था ना, ये सब चीज़ें उनको पता है कि ध्यान अपने आत्मा की उच्च स्थिति हो जाने के बाद में सीधे संपर्क से होता है, ये मन की एकाग्रता की आवश्यकता नहीं। तो वो साधक एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए, एक अच्छी अवस्था में पहुंच गए, ये साधु का दूसरा प्रकार है। लेकिन जब ध्यान में उनको जाना, तो ध्यान की अच्छी अवस्था पाने की इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन उस इच्छा के पीछे सिद्धियां पाना लक्ष्य है। कोई भी छोटा सा छेद भी आपके लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकता है, छोटा सा गलती। कैसा बताता हूं, एक साधक को किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर तूने विदेश यात्रा की तो तेरी मृत्यु होगी। तो तेरी पहली विदेश यात्रा में तेरी मृत्यु है। तो साधक कभी विदेश नहीं गया, जबकि उसको मैं कहता था कि नहीं तू विदेश जाना, देख तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, अगर विदेश तू गया
और गुरु कार्य करने के लिए जा, तो उससे क्या होगा, समझ लो गुरु कार्य करते समय तेरे को मृत्यु आ गई तो भी मोक्ष है, और नहीं कुछ हुआ तो तेरे मन में जो भ्रांति है कि अगर विदेश गया तो मेरी मृत्यु होगी वो भी दूर हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होगा, तू विदेश जा, लेकिन वो विदेश कभी नहीं गए, और खूब ध्यान किया, खूब मेडिटेशन किया, ध्यान की अच्छी अवस्था प्राप्त की, एकदम मोक्ष की स्थिति भी उसने प्राप्त कर ली, अपने जीवन काल में भी प्राप्त कर ली, सब हो गया, अच्छा पुराना साधक था। और अभी हाल ही में उसकी मृत्यु हुई तो सब साधकों को लगा कि नहीं नहीं इसको तो मोक्ष मिला ही होगा क्योंकि इसकी बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन वास्तव में एक लूपोल्स रह गया था, एक छेद रह गया था, वो छेद था मृत्यु के समय उसको क्या विचार आया मालूम है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन उसको मृत्यु के समय विचार आया विदेश जाना तो मेरा रह ही गया, और अब वो विदेश में जन्म लेगा, मतलब मोक्ष की स्थिति पा करके भी मोक्ष की स्थिति नहीं पा सका। तो ऐसा कोई भी लूपोल्स अगर छोड़ते हो, कोई भी छोटी सी चीज छोड़ते हो, तो वैसे ही ये साधक ध्यान कर रहे हैं, अच्छी ध्यान की अवस्था में है, अच्छी स्थिति पाए सब है, लेकिन काय के लिए ध्यान कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, सिद्धियां प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहे हैं। सिद्धियों के ऊपर भी थोड़ा बताता हूं, इनका ये लक्ष्य भी योग्य नहीं है। पहली बात तो सिद्धियां कोई मांगने से दे नहीं सकता और कोई उसको ले नहीं सकता, मैंने सिद्धियां कोई किसी को दे नहीं सकता और सिद्धियां कोई किसी से ले नहीं सकता, एक दूसरा सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं हो सकता, तुम किसी को दिखाने जाओ अपना अहंकार बढ़ाने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए सोच रहे हो तो उसका प्रदर्शन भी नहीं हो सकता, तीसरा उसका परीक्षण भी नहीं हो सकता, जैसे चार लोगों को बिठाओ देखो मैं ये करके दिखाता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि जो चार लोग बैठे हैं वो चार लोग उसको जांचने के लिए बैठे हैं, उनका उसके ऊपर विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो नहीं होगा, सिद्धियाँ भाव से आती है। दूसरा एक बताता हूँ फिर सिद्धियों का क्या मतलब है, सिद्धियों का अर्थ है जैसे आप उन स्टेप चढ़ते कि नहीं, तो अगर तीसरे पादान के ऊपर आप चढ़े तो तीसरे पादान पे चढ़ने के बाद में तीसरा पादान आपको हेल्प करेगा, तीसरा पादान आपको मदद करेगा, काय के लिए मदद करेगा कि आप तीसरे पादान पे बने रहो, फिर चौथे पादान पे जाओगे चौथा पादान आपको मदद करेगा कि आप चौथे पादान पे बने रहो। तो सिद्धियाँ जैसे जैसे आपकी स्थिति बनती जाती है ना आध्यात्मिक स्थिति, वैसे वैसे सिद्धियाँ खुद ब खुद आपको मिलती चली जाएगी, लेकिन वो मिलेगी आपको प्रोटेक्शन करने के लिए, आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए, आपको सारी स्थिति पता होने के लिए, कई सिद्धियाँ हैं, कई सिद्धियाँ आपको मिल सकती है और मिलेगी, लेकिन उसके अंदर क्या वो सिर्फ परिस्थिति को जानने के लिए आप अच्छे से पहचान सको। कई बार क्या होता है मनुष्य आधे जो कर्म करता है ना वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण, फिर 25% कर्म करता है वो अपने माँ बाप के इफेक्ट के कारण, और 25% स्वयं के कर्म रहते हैं। समझ लो किसी व्यक्ति ने आपको बुरा व्यवहार किया तो सामान्य आप रहोगे तो आप बुरा मान जाओगे, लेकिन अगर आप ध्यान करते हो मेडिटेशन करते हो आप अच्छे स्थिति में पहुंचे हुए हो आपको सिद्धि प्राप्त है, तो सिद्धि क्या हेल्प करेगी आपको उसके पूर्व जन्म का बताएगी, ये पहले जन्म में क्या था, वो पूर्व जन्म के कर्म के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसका बुरा क्या मानने का, ठीक है वो बुरे पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण ऐसा बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार को ज़्यादा महत्व आप नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे, तो कहीं पर भी अटकोगे नहीं, छोटी चीज़ों जो दूसरा एक सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होता है, एक प्रोटेक्शन आपको प्राप्त होता है जब आप एक स्थिति में पहुँचते हैं, एक सिद्धि है वो ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्शन करेगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, आपको सदैव वो प्रोटेक्ट करेगी, तो इसके लिए आपको कभी भी कोई भी किसी प्रकार का कोई दुर्घटना आपका आपके साथ नहीं हो सकता, प्रोटेक्शन रहेगा, ये सब खुद ब खुद आपको मिलता है, लेकिन वो पाने के लिए ये मत करो, वो पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। एक स्थान पे बैठ करके विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में आप संपूर्ण जानकारी एक क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, एक स्थान पे बैठ करके यहाँ बैठे बैठे, कैसे, इसलिए कि जिस प्रकार से अंगूठे की छाप अलग अलग रहती है ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभामंडल अलग अलग रहता है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग अलग रहता है, जैसे आप उस व्यक्ति के ओरा के ऊपर चित्त डालते हो उसके आभामंडल पे चित्त डालते हो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। और ऐसा प्रयोग
इंग्लैंड के अंदर विनस टीवी पे मैंने किया था, वो आपने भी उसकी डीवीडी देखी होगी। तो एक एक स्टूडियो में बैठे बैठे दुनिया भर से कहाँ कहाँ से लोग प्रश्न पूछ रहे थे, उनके किसी दामाद के प्रश्न थे, किसी क्या प्रश्न थे, लेकिन बराबर उसके उत्तर दे रहा था। तो उस समय वो टीवी वालों को भी लगा कि मैं शायद बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, कि मेरे को नाम भी नहीं बताया तो ही मैं बता देता हूँ। तो उनको मैंने बताया मैं ज्योतिषी वगैरह नहीं हूँ, वो जो लोगों के बारे में बता रहे हैं मैं उनका हवामंडल देखता हूँ, उनका ओरा देखता हूँ, और ओरा देख के उनके बारे में संपूर्ण जानकारी पता लग जाती है। तीसरा, आपके जीवन की आवश्यकताएं आपके आवश्यकता होने के पूर्व पूर्ण हो जाती है। ये भी एक सिद्धि है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे ही आपको प्राप्त होगी। लेकिन सिद्धियों के लिए ध्यान मत करो, ये आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, माने आपकी जो स्थिति बनी है उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये सब आपको मिलती है, लेकिन ये पाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो कई साधक हैं जो ये पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो ये दूसरे प्रकार के साधक भी ठीक नहीं है। सिद्धियाँ प्रत्येक स्टेप के ऊपर, प्रत्येक पीढ़ी के ऊपर, प्रत्येक सीढ़ी के ऊपर आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसको पाने के लिए भी ध्यान मत करो और उसमें भी अटके मत रहो, उसको भी देख करके आगे बढ़ो। ध्यान केवल आप अपने आप को आत्मा समझ करके ही कर सकते हो। आप अपने आप को जैसा समझोगे वैसा होगा, आप अपने आप को मुर्गी समझोगे आप मुर्गी बन जाओगे, आप अपने आप को मोर समझोगे मोर बनोगे। तो आप अपने आप को क्या समझते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को शरीर समझते हो तो आप शरीर के ही चक्कर में रहोगे, अगर आप अपने आप को आत्मा समझते हो तो आपको आत्मा होगा। तो आप अपने आप को क्या मानते हो, सारा खेल ना मानने के ऊपर है। आप जो मानते हैं वैसा होता है, आपने अगर माना ऐसा है तो वैसा होगा, ऐसा है ऐसा होगा, तो आपके मानने के ऊपर है। आपका मानना महत्वपूर्ण है, और मानना जो है यही आपके आत्मा का भाव है। उस भाव को जितना वृद्धिगत करोगे उतना ही परमात्मा के, परमेश्वर के आप अपने आप को करीब पाओगे। परमात्मा ने भी चैतन्य के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से आप तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया है। उसी मार्ग से, उसी रास्ते से आप भाव से उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, और पहुंच जाने के बाद में उस स्थिति को पा सकते हैं जिस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यानी मृत्यु नहीं है, मोक्ष ध्यान की वो अवस्था है जिस अवस्था में पहुंच करके आत्मा मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी मनुष्य के शरीरों से, उसके विकारों से मुक्त हो जाती है, फिर शरीर का उस आत्मा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आत्मा का नियंत्रण उस शरीर पे हो जाता है।
तो समर्पण ध्यान वह ध्यान की पद्धति है जिस ध्यान की पद्धति में आप स्वयं को एक आत्मा समझकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। नियमित ध्यान करना, सामूहिक ध्यान करना, सेंटर पे जाके ध्यान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम वैचारिक प्रदूषण वाले वातावरण में रह रहे हैं। कई नकारात्मक विचार, कई नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती है। प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक कार्य का जब हम करते हैं तो समाधान उस कार्य का फल होता है कि कार्य करने के बाद में समाधान मिला, सेटिस्फेक्शन मिला और समाधान तब अधिक मिलता है जब वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जैसे हम किसी समाज के लिए कार्य करते हैं तो वो कार्य का लाभ एक विशेष समाज तक पहुंचता है। अगर हम किसी भाषा के लिए कार्य करते हैं तो उस कार्य का लाभ विशेष एक भाषा तक पहुंचता है। अगर हम राष्ट्रहित में कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का लाभ हमारे राष्ट्र तक पहुंचता है, यानी और बड़ा दायरा, और बड़ा दायरा। लेकिन ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि हमारा कार्य प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे। लेकिन गुरु कार्य एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचता है, और सिर्फ पहुंचता ही नहीं, उसका पहुंचने का उसके पास नेटवर्क है विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए। आपका कार्य पहुंचेगा तो गुरु कार्य वो कार्य है जो कार्य करने से आपको समाधान मिलेगा। हजारों लाखों लोगों तक आपका कार्य पहुंच रहा है क्योंकि लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं और होंगे। तो अपने आप को गुरु कार्य करके और गुरु कार्य का अर्थ समझ करके, गुरु के लिए किया गया कार्य है ना, हम आत्मा बन करके परमात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भाव, भाव के साथ कार्य करो। सब देखो, सब भाव वृद्धि के लिए, भाव बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु कार्य करना पड़ेगा, प्रवचन सुनना पड़ेंगे, सामूहिक ध्यान करना पड़ेगा, सामूहिकता में रहना पड़ेगा, आत्माओं के सामूहिकता में रहना पड़ेगा। ये सब हमारे आत्मभाव को बढ़ाने वाली बातें। तो जिस प्रकार से भूमि रहती कि नहीं, भूमि प्राकृतिक है, उसके अंदर अगर आप एक बीज डालोगे तो उससे हजार बीज कल खिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से गुरु कार्य है। गुरु कार्य भी प्राकृतिक है, एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे आप उसके अंदर एक बीज डालोगे, एक कार्य डालोगे, उस कार्य आपका लाखों हजारों लोगों तक पहुँचेगा क्योंकि वो विश्व के प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए जुड़ा हुआ है। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो। दूसरा, शिव का दूसरा नाम है सत्य। तो सत्य किसी जाति विशेष में, सत्य किसी समाज में, सत्य किसी देश में, सत्य किसी भाषा में,
अलग अलग नहीं होता, सत्य सत्य होता है, वो एक सा रहता है, एक जैसा रहता है। कहीं पे भी जाएंगे उसका स्वरूप एक होगा। तो सत्य वह अनुभूति है, परमेश्वर की वो अनुभूति जिस अनुभूति पे आधार पे विश्व के कई देश के आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। विदेश में अलग अनुभूति, यहाँ पे अलग अनुभूति, ऐसा नहीं है। अनुभूति समान है, एक जैसी है, क्योंकि अनुभूति सत्य है। परमात्मा की जो भी चीज़ रहती है ना, वो एक जैसी रहती, समान रहती, एक सरी की रहती। भगवान ऐसे नहीं कि कुछ जाति के लोगों को दो कान देगा और कुछ जाति के लोगों को चार कान देगा, सबको समान एक जैसा समान देता है। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का प्यार भी, परमात्मा का प्रेम भी, वो चैतन्य के रूप में, वो भी सबको समान है, एक जैसा है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, सबको समान, सबको एक जैसा। तो समर्पण ध्यान यह ऐसा एकमात्र संगठन है जो अनुभूति के ऊपर आधारित है, और वो अनुभूति से वो विश्व स्तर पे जुड़ा हुआ है। विश्व स्तर के सभी लोग एक ही अनुभूति को एक जैसा फील करते हैं, एक जैसा अनुभव करते हैं। तो उसी अनुभूति को पाने के लिए आपने कैसे शुरुआत की, वही याद करो ना। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा थोड़े समय के लिए, थोड़े काल के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपने माना। जैसे आपने माना वैसे ही परमात्मा का प्रेम प्रकट हो गया और आपको अनुभूति हो गई, आपको साक्षात्कार हो गया, आपको आत्मा का साक्षात्कार हुआ। तो जिस मार्ग से शुरुआत हुई है उसी मार्ग को आप पकड़ लो ना, उस अनुभूति को ही पकड़ लो। परमात्मा जिस मार्ग से, जिस रास्ते से आप तक पहुंचा है, आप सारी बातें छोड़ दो, सब बातें फिजूल है, सब छोड़ करके आप उस अनुभूति को पकड़ लो। सारा चित्त उस अनुभूति पर लगाओ तो आप देखेंगे जैसे ही अनुभूति के ऊपर आपका चित्त जाएगा वैसे वैसे बाकी सारे बातें खुद ब खुद छूट जाएगी। तो मैं कुछ नहीं कहता क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी है, कौन सी चीज़ें आपके पास अच्छी और कौन सी चीज़ें बुरी है। सब विवाद छोड़ करके आप आपका पूरा लक्ष्य दो बातें पे लगाओ। एक तो पहले आप एक पवित्र आत्मा है, आप एक शुद्ध आत्मा है, एक, और दूसरा परमेश्वर की अनुभूति आपको प्राप्त हुई है, परमात्मा की अनुभूति आपने प्राप्त की है। उसी अनुभूति के ऊपर आप आपकी एकाग्रता रखो ना, सारा चित्त वहीं पे लगाओ, उस अनुभूति पे लगाओ। तो अनुभूति को पकड़ करके एक सिरे को पकड़ो, पकड़ते 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 उसी पे आगे रास्ते पे चलते चले जाओगे। तो कहाँ जाना है आपको मालूम है, कौन सा रास्ता है वो भी आपको मालूम है, अनुभूति भी आपने प्राप्त की है, तो बढ़ना आपको ही आगे होगा। लेकिन इसकी शुरुआत शरीर से नहीं, आत्मा बनकर करना होगी। आप अपने आप को जैसा मानोगे वैसा ही चेंज वैसा ही बदलाव आप महसूस करोगे कि आपके अंदर आना प्रारंभ हो गए। आत्मा की कोई विचार नहीं, आत्मा की कोई समस्या नहीं है, आत्मा की कोई चिंता नहीं है, ये सारी समस्याएं शरीर से संबंधित है। आप छोटी छोटी बातें
परमात्मा से मांगते हो वो पूर्ण भी कर देता है, लेकिन वो टेम्पररी है ना, फिर वो मांग रहेगी। एक मांग समाप्त हुई दूसरी खड़ी होगी, दूसरी समाप्त हुई तीसरी खड़ी होगी, तीसरी समाप्त हुई चौथी खड़ी होगी। मांग से समाधान तक नहीं पहुंच सकते। अगर समाधान तक पहुंचना है तो उसका मार्ग आत्मा से ही है। इसलिए महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप अगर अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास प्रारंभ करें तो समर्पण ध्यान में अवश्य आपकी प्रगति हो सकती है, लेकिन सिद्धियों का भी लक्ष्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। निरपेक्ष भाव से करो, कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं, और धीरे धीरे आप एक समाधान वाला जीवन व्यतीत करोगे जिसमें पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसा भाव आपके अंदर आएगा। आज इसी समाधान की अत्यंत आवश्यकता है। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब।